नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कलर कोडेड सिस्टम पर, जो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के तीसरी लहर से बचने के लिए दिल्ली में लागू किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं कलर कोडेड सिस्टम के बारे में। तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने रविवार को, मतलब कल, एक आदेश में कहा कि राजधानी में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRP के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी। मतलब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा कि कोविड-19 से क्या रोक है, मतलब क्या चीज़ खुलेंगी, कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या गतिविधियां चालू रहेंगी, किन 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 गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, मतलब कौन कौन सी गतिविधियां रोकी जाएंगी, इसके लिए GRP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके मापदंड हैं, इसके आधार पर लागू किए जाएंगे। तो DDMA ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि GRP के सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को निर्णय लेने में मदद पहुंचाने के लिए GRP में बताए गए कलर कोडेड सिस्टम के तहत रोजाना अलर्ट भेजेगा। तो GRP को 9 जुलाई को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो GRP को जो उसके मापदंड हैं, मानदंड हैं, उसको 9 जुलाई को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी। इसके 3 मापदंड हैं, दिल्ली में संक्रमण दर, कुल नए मामले और भरे हुए ऑक्सीजन बेडों के औसत को ध्यान में रखा गया है। जो GRP के 3 मापदंड हैं, इसमें दिल्ली में कितना संक्रमण दर है, मतलब कितनी परसेंटेज हिसाब से डेली बढ़ रहा है, और उसके बाद कितने नए मामले आ रहे हैं, और भरे हुए ऑक्सीजन बेडों के औसत को ध्यान में रखा गया है। इसी के आधार पर योजना में इन मापदंडों के विस्तृत विश्लेषण के बाद 4 रंगों, येलो, अम्बर, ऑरेंज और रेड के अलर्ट और उनके जरूरी मापदंडों की सिफारिश की गई है। मतलब दिल्ली में संक्रमण दर, नए मामले और भरे हुए ऑक्सीजन बेड के आधार पर 4 रंगों में अलर्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक होगा येलो, उसके बाद अम्बर, उसके बाद होगा ऑरेंज और सबसे आखिरी में रेड अलर्ट होगा, मतलब संक्रमण की उच्चतम अवस्था में रेड अलर्ट होगा। तो DDMA के आदेश में कहा गया है कि जो मान्य या प्रतिबंधित या सीमित गतिविधियां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्धारित अलर्ट के स्तर के अनुसार होगी और तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक क्रियान्वयन के लिए होगी। उसमें कहा गया है कि जैसे ही कोई मापदंड अलर्ट के निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है तो अलर्ट आदेश जारी किया जाएगा तथा ऐसे स्तर पर मान्य या प्रतिबंधित या सीमित गतिविधियाँ स्वतः ही एक्टिव हो जाएंगी। मतलब दिल्ली के जिन जिलों में कोरोना केस बढ़ेंगे, परसेंटेज बढ़ेगा और बेडों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, उसी आधार पर जो अलर्ट जोन है वो लागू होते जाएंगे और उसके बाद उस पर जो गतिविधियाँ होंगी वो बंद होती जाएंगी या चालू होती जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या है कलर कोडेड सिस्टम। तो इस सिस्टम में 4 स्तर हैं। पहला स्तर है येलो अलर्ट। इसमें 2 दिनों तक संक्रमण दर 0.5 तक पहुंचने और रोजाना नए मामले 1500 तक जाने एवं 500 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भरने के लिए होगा। मतलब जो पहला प्रारंभिक स्तर होगा, जो जिसको आप येलो जोन भी बोल सकते हैं, इसमें 2 दिनों के अंदर जो संक्रमण दर है वो 0.5% होना चाहिए और जो रोजाना नए मामले हैं ये 1500 ही होने चाहिए और जो ऑक्सीजन के बेड हैं, जो ऑक्सीजन से भरे हुए बेड हैं, इसे 500 मरीज भरे हुए होने चाहिए, तभी वह क्षेत्र येलो जोन में आएगा। उसके बाद आता है दूसरा स्तर, अम्बर अलर्ट। यह तब लागू होगा जब संक्रमण दर 1% हो जाएगी। येलो में प्रथम स्तर में 0.5% था, लेकिन अब 1% होने पर वहाँ पर अम्बर अलर्ट होगा। साथ में 3500 मरीज डेली होने चाहिए, नए मामले 3500 डेली होने चाहिए और 700 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड भरे होने चाहिए। अब आता है तीसरा, ऑरेंज अलर्ट। यह तब होगा जब संक्रमण दर 2% को पार कर जाए, जब संक्रमण दर का परसेंटेज 2% हो जाए और नए मामले 9000 तक चले जाएं और जो ऑक्सीजन से भरे हुए बेड हैं या 1000 तक पार हो जाएं, तब वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। सबसे अंत में रेड अलर्ट होगा, यह सबसे ऊंचा स्तर है और यह तब होगा जब संक्रमण दर 5% से अधिक हो जाए तथा नए मामले 16000 से पार हो जाएं तथा 3000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं, तब यह होगा आपका रेड अलर्ट। मतलब यह संक्रमण के हाईएस्ट स्थिति में होगा।
अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।